हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन आप स्कूल के भी स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि इंग्लिश सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वोकेबलरी सेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए इंग्लिश के 2500 जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं, उनको कंपाइल करके मैंने ई बुक्स ये क्रिएट की हैं। तो इन ई बुक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसके बारे में मैं पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे ये ई बुक्स आपके लिए हाईली यूजफुल रहेंगी। देखिए, यदि आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक PO, बैंक क्लर्क, या आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, NDA, CDS, TET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इंग्लिश सेक्शन में भी वोकेबलरी का जो सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पर्टिकुलरली SSC मेंस में तो वोकेबलरी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इन वोकेबलरी के थ्रू थ्रू आप 2500 वर्ड्स, 2500 हाई फ्रिक्वेंसी जो वर्ड्स हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, उन सभी वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो उसके थ्रू आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्लोज टेस्ट को, पैराजम्बल को बहुत ही अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वोकेबलरी का एक पार्ट होता है, और SSC में तो एक अलग से पूरा एक सेक्शन होता है। SSC पर्टिकुलरली मेन्स एग्जाम में, Tier 2 जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सेक्शन होता है। अब इन इन ई बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, इसमें फ्रेजल वर्ड्स भी होंगी, इसमें इडियम्स भी मिलेंगे, इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड्स भी मिलेंगे, इसमें हिंदू की पूरी वोकेबलरी मिलेगी, करेंट वर्ड्स जो पूछे जा रहे हैं वन वर्ड्स मिलेंगे, इसमें आंसर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, इसमें रिवीजन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैंने दी हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसमें मैंने काफ़ी सारी दी हैं। तो ये 4 या 5 ई बुक्स हैं, इस साइट पर आपको जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वेबसाइट है englishiq.in, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इन ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस सेक्शन में आ सकते हैं, डाउनलोड जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। और एक ई बुक में, इसमें 1000 वर्ड हैं, एक दूसरी ई बुक है उसमें 800 वर्ड हैं, एक तीसरी ई बुक है उसमें 750 वर्ड हैं। इस तरीके से अलग अलग ई बुक्स यहाँ से आपको डाउनलोड करनी होंगी, ठीक है। अब देखिए, ई बुक से पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, ई बुक से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कलरफुल फॉन्ट होता है। बुक से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसमें जो फॉन्ट होता है बहुत छोटा फॉन्ट होता है, और उससे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ कलरफुल फॉन्ट होगा, जैसे एबिडेशन एक वर्ड दिया है, बहुत बार ये पूछा गया है SSC एग्ज़ाम में, और यहाँ पर इसका ये सिनोनिम दिया है डीविएशन। यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंस भी दिए हैं मैंने, ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे तरीके से याद हों। एबियंस SSC में बहुत बार ये पूछा गया, सस्पेंशन इसका मतलब होता है, यहाँ पर ये अंडरलाइन किया गया है, एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने इसमें दिया है। और इसमें सिनोनिम एंटोनिम्स के अलावा बहुत सारे वर्ड्स, देखिए मैं नीचे बताता हूँ, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, एलिविएट, ये बैंकिंग में SSC में जाने कितनी बार पूछा गया है, एल आप देख सकते हैं, एबिजमल बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है, और यहाँ से देखिए आप रिवाइज कर सकते हैं। पहले आपने इन वर्ड्स को पढ़ा और यहाँ से आप इन सारे वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइज टू रिमेंबर, रिमेंबर करने के लिए रिवीजन जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलग तरीके से इन वर्ड्स को मैंने दिया है, यहाँ पर जैसे ऑब्लिवियस एक वर्ड दिया है, कितने सारे इसके सिनोनिम्स दिए हैं, यहाँ पर देखिए, इनकॉग्निजेंट है, इग्नोरेंट है, हीटलेस है, और यहाँ पर इसके ये सारे एंटोनिम्स दिए हैं, यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल सेंटेंस दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने इनको कंपाइल किया है, बहुत मेहनत इनमें लगी है। पहले ये सारी ई बुक्स पेड ई बुक्स थी, लेकिन अब मैंने फ्री कर दिया है इनको, आप फ्री में ले सकते हैं, और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल ये बुक्स रहेंगी। जैसे डेस्टिट्यूट है तो इसका पुअर हो सकता है, पेनीलेस हो सकता है, इम्पोवेरिस हो सकता है, नीडी हो सकता है, ऑन द ब्रेड लाइन हो सकता है, देखिए ऑन द ब्रेड लाइन, बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट, ये वर्ड तो दोनों कॉमर्स में चलते हैं, और एग्जाम्पल सेंटेंस भी मैंने इसमें नीचे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक्सॉटिक, कितना अच्छा ये वर्ड है, और इसके सारे सिनोनिम्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 2500 जो वर्ड्स आपको मिलेंगे, ये एक ई बुक में नहीं है, ये 4 या 5 अलग अलग ई बुक्स हैं, कई ई बुक्स 300 वर्ड की भी हैं। तो ये सारी ई बुक्स आपको एक एक करके आपको डाउनलोड करना है, और इनके थ्रू आपको स्टडी करनी है, और डेफिनेटली ये हाईली यूजफुल ई बुक्स आपके लिए रहेंगी, और लाइफ टाइम के लिए इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में एक फोल्डर में इनको बना के रख सकते हैं, और वहाँ से इनको आप याद कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये देखिए बहुत लंबी लंबी ये ई बुक्स हैं,
और इसमें ये देखिए, ये यहाँ पर इनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं, लेट अस डू रिवीजन, इनके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं। ये यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, ये मैच द फॉलोइंग है, इससे इसको आपको मैच करना है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे बंगल क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है घपला, ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग, इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स, इसके एग्जांपल सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर दिए हैं। डॉगमेटिक एक वर्ड दिया है, कट्टर इसका मतलब होता है। एवर्जन इसका मतलब है घृणा। रेमिफिकेशन इसका मतलब है असर या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ई बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के वर्ड्स मिलेंगे, और इसमें हिंदू वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं, जो नए और लेटेस्ट वर्ड्स हैं, वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। तो उन वर्ड्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनके थ्रू आप इन वोकेबलरी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेंगी, टीचर्स टीचर यदि आप हैं, यदि आप पढ़ाते हैं, तो भी आपके लिए वोकेबलरी के वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इन ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से इस वेबसाइट पर आपको आना है englishiq.in, और इस वेबसाइट पर आके आपको यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना है, इसको सब्सक्राइब कर लें आप। और सब्सक्राइब करने के बाद इस यहाँ पर जो भी मैं कोर्सेज अपलोड करूँगा या जो भी ई बुक्स अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इन ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें, इन पोस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो और वो भी यहाँ से ई बुक्स को डाउनलोड कर सकें। तो इस सेशन में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।